डुवर्स को नगरकटा खंड अंतर्गत लुक्सान बस्ती में ठूलो लागत में निर्माण भइरहेको पशुपतिनाथ सिद्धिपीठ मंदिर को निर्माणार्थ सहयोग को निम्ति आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को शनिवार शोभायात्रा निकालियो। शोभायात्रा में डुवर्स का विभिन्न स्थानबाट आएका भक्तजनहरूले व्यापक रूप में भाग लिएका थिए। जलपाईगुड़ी जिला परिषद का मेन्टर अमरनाथ झाले यज्ञ को विधिवत उद्घाटन करे। पशुपतिनाथ सिद्धिपीठ मंदिर समिति को आयोजना में संपन्न भइरहेको उक्त श्रीमद् भागवत महायज्ञ को कथावाचक का रूप में सिक्किम का दुर्गा प्रसाद गौतम अनि नारद दहाल रहेका छन्। उक्त महायज्ञ आगामी 14 अप्रैलसम्म चल्ने आयोजक कमिटी का सभापति काजी पाण्डेले जानकारी गराएका छन्। यज्ञलाई लिएर अहिले लुक्सान बस्तीमा हर्षको परिवेश छ। उल्लेखनीय छ, नेपालको काठमाडौँमा अवस्थित पशुपतिनाथ मन्दिरको ढाँचामा गत 5 वर्षदेखि लुक्सान बस्तीमा उक्त मन्दिर निर्माणाधीन छ। एक केजी फल पनि भनेको थिए, त्यो पनि आइपुगेको छैन, उपलब्ध गराइदिनुहोस्। पशुपतिको ढाँचामा जुन चाहिँ काठमाडौँमा स्थित छ त्यो ढाँचामा हामीले यहाँनिर एउटा मन्दिर स्थापना गर्ने सोच बनाएर 2014 यहाँ हामीले उद्घाटन गरेका थियौँ, यो आदर्शलाई राखेका थियौँ र सबैको यहाँका स्थानीय जनमानसको सहयोगबाट हामीले सुरुवात त गऱ्यौँ र गर्दा गर्दै अब विभिन्न किसिमका बाधाहरू आएकोले र बिचमा यो महामारीको अवस्था आएकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई द्रुत गतिले गर्न सक्यौँ र अब अहिले हामीलाई यो मन्दिर पूर्ण रूपले पूर्ण गर्नको निम्ति अलिकति आर्थिकको खाँचो परेको हुँदाखेरि र यहाँका यस डुवर्स क्षेत्रका र यस वरिपरि क्षेत्रका जनमानसलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराउनको निम्ति हामीले एउटा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ आयोजन गरौँ भन्ने जमर्को गरेर हामीले यो आज आयोजन गरिरहेका छौँ र आज यसको प्रथम दिन हो र यो हामी चाहन्छौँ, हामी सम्पूर्ण यहाँका विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको सहयोगबाट हाम्रो यो जुन चाहिँ एउटा यो डुवर्स क्षेत्रमा जुन चाहिँ एउटा धार्मिक धरोहर निर्माण गर्न गइरहेका छौँ यसमा सबैको सहयोग हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र आगामी दिनमा सबैको सहयोग आयोजन गरिरहेका छौँ र आज यसको प्रथम दिन हो र यो हामी चाहन्छौँ, हामी सम्पूर्ण यहाँका विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको सहयोगबाट हाम्रो यो जुन चाहिँ एउटा यो डुवर्स क्षेत्रमा जुन चाहिँ एउटा धार्मिक धरोहर निर्माण गर्न गइरहेका छौँ यसमा सबैको सहयोग हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र आगामी दिनमा सबैको सहयोगबाट हामी यसलाई पूर्ण मूर्त रूप दिन सक्छौँ भन्ने हामी आशामा छौँ र हामीले एउटा टार्गेट गरेका छौँ आगामी 2024 महाशिवरात्रिको दिन पूर्ण माने उद्घाटन हामी गर्ने तर्खरमा हामीले एउटा निधो गरेका छौँ र यसै उद्देश्यलाई जारी अगाडि राखेर हाम्रा कार्यकर्ताहरू, हाम्रा यहाँका सम्पूर्ण समाजसेवीहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसित हामी सहयोग लिएर यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। मेरो भाग्य नै फुटेको। तर भाग्यलाई कहिल्यै जाँच्नु भो के? कसरी? यसरी। नागाल्यान्ड स्टेट डियर बैशाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार कुल 5 करोड ग्यारेन्टी, मतलब 2.5 करोडको 2 वटा पुरस्कार। अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू, टिकट मूल्य 500 रुपियाँ र 15 अप्रेल पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। डियर बैशाखी बम्पर। के तपाईँ सर्ट फिल्म, म्युजिक भिडियो, डकुमेन्ट्री बनाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँको जीवनको कुनै अविस्मरणीय क्षणलाई क्यामेरामा कैद गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने पाइन्डेक्स मिडिया नेटवर्कलाई सम्झिनुहोस्, जसले सबैभन्दा विश्वसनीय नेपाली न्युज च्यानल द हिमाल वर्ल्ड सञ्चालन गरिरहेछ। कार्यक्रम जुनै होस्, लाइभ प्रसारणदेखि लिएर सबै कभरेज गर्ने विश्वासको अर्को नाम पाइन्डेक्स मिडिया नेटवर्क। द हिमाल वर्ल्ड अफिस, पशुपति रोड, दुर्गागढी नियर दार्जिलिङ मोड, सिलिगुडी। सम्पर्क गर्नुहोस् 9733182312, 7029396989।
आइलिड क्रीज क्रिएशन और डबल आइलिड सर्जरी और अपर आइलिड ब्लेफरोप्लास्टी या आप बोल सकते हैं मंगोलियन आइलिड सर्जरी या एशियन आइलिड ब्लेफरोप्लास्टी, ये सब जो टर्म है एक ही टर्म है। आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जो अपर आइलिड है उसमें अगर आपके क्रीज नहीं है तो हम लोग इस क्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को हम लोग डबल आईलिड सर्जरी या एशियन आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। ये जनरली आप देखेंगे जो हमारे जो मंगोलियन फेसेस हैं में, जैसे कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपने दार्जिलिंग और सिक्किम और नेपाल के लोग हैं या इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, उनके जो अपर आईलिड है उस पर क्रीजेज नहीं होते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके द्वारा कि हम ये क्रीज क्रिएट करते हैं, आपकी जो फेस है उसका जो ब्यूटी है उसको हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। आईलिड सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर में हो जाता है, बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे करते हैं और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस मिनिमम है और आप रूटीन एक्टिविटी सेकेंड डे से ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक छोटी सी सर्जरी से अपने चेहरे का जो ब्यूटी है या जो पेरी ऑर्बिटल रीजन जो आईज की जो ब्यूटी है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं। मैं आपको अपने कुछ रिजल्ट्स के बारे में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इसमें जो पहले का जो फेस है, जस्ट यू कैन सी, ये पहले का फेस है और ये बाद का फेस है, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे। जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने आईलिड सर्जरी जिसमें की है, तो आईलिड सर्जरी करने के बाद जो फेस का जो डलनेस या जो हैवीनेस दिखता है पहले वो खत्म हो जाता है, मीन्स आप मोर यूथफुल और मोर यंग दिखना शुरू होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है यह सर्जरी कराने में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।